rfi.com विश्वास वही रफ्तार नई। सीएम योगी के गढ़ में मुकेश सहनी ने दिखाई अपनी ताकत। गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में किया हेलीकॉप्टर रैली। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शनिवार को वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने हेलीकॉप्टर रैली करके अपनी ताकत का एहसास कराया। अगर गोरखपुर के पिछले एक महीने की राजनीतिक हलचल की बात करें तो यही चंपा देवी पार्क में प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिज्ञा रैली की। इसके बाद से शिवपाल यादव ने सामाजिक परिवर्तन यात्रा की। गोरखपुर से ही अखिलेश यादव ने सामाजिक विजय यात्रा की तो निषाद पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने भी गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में ही पिछले कुछ दिनों पहले एक रैली की। इसके बाद 22 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कार्यकर्ताओं के साथ बूथ सम्मेलन किया। अब इसके बाद वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में हेलीकॉप्टर रैली की। इस दौरान मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके सहयोगी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद पर भी निशाना साधा। मुकेश सहनी ने कहा कि यह बीजेपी ऐसे आरक्षण देने वाली नहीं है। संजय निषाद को इन्होंने टिकट देकर MLC बना दिया और संजय निषाद MLC बनने के बाद शांत हो गए। फूलन देवी को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी ने उनका सम्मान नहीं किया। फूलन देवी की प्रतिमा पर माला तक नहीं चढ़ाने दी। बीजेपी के एक प्रवक्ता ने फूलन देवी का जिस तरीके से अपमान किया उनकी जबान काट देनी चाहिए। इस तरीके से मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ निषाद पार्टी पर भी हमला बोला। मुकेश सहनी ने अपने भाषण के दौरान संजय निषाद को शैतान तक कह डाला। इसके बाद मुकेश सहनी ने जनसभा में आए अपने समर्थकों से 2022 विधानसभा चुनाव में VIP पार्टी को वोट देने की अपील की। समाज का बेटा समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा था, इसलिए सब उनके साथ है। आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे साथ है। आज लखनऊ गोरखपुर में आप इतने बड़ा हजारों के संख्या में इतने बड़े हुजूम देख सकते हैं, तो निषाद का बेटा हूँ इसलिए मेरे साथ है। तो वो भी अगर सही नीति और नियत से चलेंगे तो फिर उनके साथ भी रह सकता है, लेकिन वो पार्टी नहीं चला रहे, वो दुकान चला रहे। आपने देखा कि 2018 में कैसे साइकिल पे चढ़ गए, एगो टिकट पे समझौता कर लिया अपना पार्टी रहते हुए। 2019 में एगो टिकट पे समझौता कर लिया बेटा को अपना पार्टी रहते हुए, बीजेपी का सिंबल पे लड़ा के बीजेपी का सांसद बना दिया, वो दुकान चला रहे। अभी भी यहाँ पे लड़के ज्यादा से ज्यादा सीट लेना चाहिए। यहाँ पे क्या किए, एक MLC में बीजेपी के साथ चले गए। पहले सीट गठबंधन करना चाहिए, उसके बाद जाना चाहिए। पहले आरक्षण लेना चाहिए, उसके बाद जाना चाहिए। तो यहाँ पे वो पार्टी नहीं चला रहे, दुकान चला रहे। और जो पार्टी चलाएगा निषाद उनके साथ रहेगा, जो दुकान चलाएगा निषाद उनके साथ। इस पे वो उनको सद्बुद्धि मिले। और ऐसे लोगों को तो मैंने कहा कि ऐसे लोगों को जुबान काट लेना चाहिए जो लोगों ने फूलन देवी के ऊपर वो उंगली उतारे। उनको पहले सीख लेना चाहिए, अपने गुरु लोग से बात कर लेना चाहिए कि क्या बोलना है। फूलन देवी को हम लोग आदर्श मानते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। पूरा दुनिया उनको मानते हैं कि उनके साथ अन्याय किया, तो पूरा दुनिया मानता है कि महिला जो है सिर्फ चूड़ी पहनना नहीं जानता, उनके साथ अन्याय करोगे तो बदला भी लेना जानते हैं। उनके साथ अपमान किया, आने वाले समय में उनका बदला लिया जाएगा। यूपी में आप गठबंधन करेंगे या नहीं? मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगा। डॉक्टर संजय निषाद से क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर संजय जी निषाद जी से कहूंगा कि 2022 चुनाव से पहले आरक्षण दिलवाइए। आप भी लड़िए, मैं भी लड़ता हूं, दोनों भाई साथ मिलकर आरक्षण। कितनी सीट पे गठबंधन करेंगे अगर वो चाहेंगे तो? नहीं, गठबंधन वो करे, हम नहीं करेंगे। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।